मॉर्निंग चंदा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंदा शर्मा, रेखा चौधरी, प्रियंका। मैम कल के नोट सेंड कर दो। बेटा आज करेंगे, मैं अभी थोड़ा सा टाइम मिले दो, मैं पूरे ही कर दूंगी। बिल्कुल, इंदिरा चौधरी, इंदिरा चौधरी, पायल राजे। इंदिरा चौधरी, पायल राजे, ममता शर्मा, भावना चेल्सी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पुराया निकिता शर्मा, अंजलि शर्मा, भावना चेल्सी। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा गुड मॉर्निंग, अंशु शर्मा तो आ गई, गुड मॉर्निंग। मैम इंदिरा चौधरी। हाँ बेटा, इंदिरा लगा दी आपकी, इंदिरा चौधरी की भी लगा दी, ममता शर्मा की, भावना चेल्सी, निकिता शर्मा, अंजलि शर्मा, अंशु शर्मा, अंशु शर्मा, चंदा शर्मा, रेखा चौधरी, सबकी लगा दी बेटा।
मीनू कुमारी बैरवा, सीमा चौधरी आई हैं और मीनू कुमारी बैरवा। प्रिया आ गई, मैम मीनू की प्रेजेंट लगा देना। मैं लगा दी बेटा, मीनू कुमारी बैरवा लगा दी बेटा। मैम कल की भी लगा दी क्या? कल की भी लगा दी बेटा, मीनू कुमारी बैरवा। पिंकी चौधरी, पिंकी चौधरी की लगाई है अभी। शुभी जोशी आई है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। पिंकी चौधरी, प्रिया और शुभी जोशी, इनकी भी लगा दी। अब अपन स्टार्ट करते हैं, आज एक नई फैमिली लेते हैं, ब्रसी केसी, क्रूसी फेरी या ब्रसी केसी। और क्रूसी फेरी को अपन क्या कहते हैं, सरसों कुल, और ब्रेसी केसी या मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, मतलब इसका वर्गीकृत स्थिति क्या है, किसकी फैमिली, क्रूसी फेरी की। तो बेंथम एंड हुकर पद्धति के अनुसार क्रूसी फेरी को प्रभाग डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखा गया, उप प्रभाग सब डिवीजन है डाइकोटिलीडोनी, क्लास है पॉलीपिटेली, वर्ग क्या है पॉलीपिटेली, सीरीज क्या है थैलेमी फ्लोरी, सीरीज क्या है थैलेमी फ्लोरी, और ऑर्डर कौन से ऑर्डर में आती है, ये है पेराइटेल्स, फैमिली इज ब्रैसिकेसी और क्रूसी फेरी। तो आज अपन कुल फैमिली या कुल क्रूसी फेरी का अध्ययन करेंगे, ब्रैसिकेसी का स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलियंट फीचर्स ऑफ ब्रैसिकेसी और क्रूसी फेरी। ब्रैसिकेसी कुल के विशेष लक्षण क्या क्या है, पहला है कि ये ब्रैसिकेसी कुल में जो पादप आते हैं जैसे कि मस्टर्ड, वो एक वर्षीय होते हैं, एनुअल होते हैं या द्विवर्षीय शाक होते हैं, मतलब द प्लांट्स आर एनुअल और बाइनियल हर्ब, या तो एक वर्षीय शाक एनुअल या द्विवर्षीय शाक। और शुभ इस क्रूसी फेरी में सम्मिलित किए गए हैं। एक बार दर्शिता राणा और आई है, उनको भी एडमिट कर दे, दर्शिता राणा, दर्शिता राणा को भी एडमिट कर दिया। तो इसमें क्रूसी फेरी कुल में जो वृक्ष है ट्रीज है अनुपस्थित होते हैं, पादपों में तीखी गंध वाला जल समान रस पाया जाता है। और क्रूसी फेरी कुल में जो भी पादप आते हैं उनके पर्ण सिंपल सरल वीणाकार लाइरेट एकांतरित अल्टरनेट व एक्स स्टिपुलेट होते हैं, मतलब उनमें अनुपर्ण नहीं पाए जाते। और क्रूसी फेरी या ब्रैसिकेसी कुल में पुष्पक्रम इनफ्लोरिसेंस रेसिमोस असीमाक्षी असीमाक्ष पाया जाता है, या कोरिम्ब मतलब समशिक इनफ्लोरिसेंस पाया जाता है। पुष्प जो हैं वो टेट्रामेरस होते हैं, चतुष्तयी होते हैं, द फ्लावर्स आर टेट्रामेरस चतुष्तयी होते हैं, और दलपुंज क्रूसी फॉर्म होता है, दलपुंज क्रूसी फॉर्म होता है। नेक्स्ट है पुमंग में पुंकेसर
टेट्राडायनामस चतुर्दीर्घी अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जायांग बाइकार्पलरी पाया जाता है, डी अंडपी जायांग पाया जाता है जो कि युक्ता अंडपी होता है, सिनकार्पस होता है एंड इट इज यूनिलोक्यूलर, एक कोष्ठीय होता है, परंतु कूटपट या रेप्लम मतलब फॉल्स सेप्टम और रेप्लम की उपस्थिति के कारण बाइलोक्यूलर द्विकोष्ठीय पेराइटल प्लासेंटेशन पाया जाता है। मतलब ब्रैसिकेसी कुल के लक्षण क्या क्या हैं, या तो ब्रैसिकेसी कुल में एक वर्षीय या द्विवर्षीय शाख सम्मिलित हैं और कुछ शुभ भी पाए जाते हैं, लेकिन इस कुल में ट्रीज अनुपस्थित रहते हैं। पर्ण क्या है, लीव सिंपल होती है एंड दीज आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर एंड द लीव्स आर विदाउट स्टिप्यूल्स। और पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस रेसीम और कोरिम्ब पाया जाता है। और पुबंग में जो पुंकेसर होते हैं मतलब टेट्राडायनामस कंडीशन इज फाउंड एंड द गाइनोशियम कैसा है, दी अंडपी होता है, बाइकार्पलरी होता है, लेकिन फॉल्स सेप्टम बनने के कारण गाइनोशियम बाइलोक्युलर हो जाता है, पहले तो यूनिलोक्युलर होता है लेकिन कूटपट या रेप्लम बनने के कारण ये बाइलोक्युलर हो जाता है। अब बात करते हैं क्रूसीफेरी कुल के प्राप्ति स्थान एवं वितरण के बारे में। एक बार मोनिका आ गई है, मोनिका को भी एडमिट कर देते हैं। मोनिका एडमिट कर देती हूँ, मोनिका को, प्रिया और मोनिका, प्रिया और मोनिका, ठीक है। तो कुल क्रूसीफेरी या ब्रैसिकेसी द्विबीजपत्री पौधों का एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण कुल है जिसमें 375 वंश एवं लगभग 3,200 जातियों के पादप सम्मिलित हैं। ब्रैसिकेसी और क्रूसीफेरी कुल के सदस्य विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं, फिर भी नॉर्थ टेम्परेट क्षेत्र में, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। भारत में इस कुल का मतलब ब्रैसिकेसी का प्रतिनिधित्व 51 जेनेरा एवं 138 जातियों के द्वारा निरूपित होता है। इस कुल के मतलब क्रूसीफेरी या ब्रैसिकेसी कुल के सदस्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, परंतु कुछ जातियां उत्तरी भारत में मैदानी एवं शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कुछ सदस्य जैसे कि सुबुलेरिया एक्वेटिका, सुबुलेरिया एक्वेटिका एंड नास्टरशियम, नास्टरशियम ऑफिसिनेल जलीय पादप हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली ब्रैसिकेसी और क्रूसीफेरी, कायिक लक्षणों का परास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट एंड हैबिटेट, प्रकृति एवं आवास। तो अधिकांश सदस्य ब्रैसिकेसी कुल में शाकीय होते हैं, परंतु लेपिडियम एवं फारसेटिया की कुछ जातियां अंडरश्रब्स होती हैं, उपशुप होती हैं। मतलब इस कुल में, कौन से कुल की बात चल रही है, ब्रैसिकेसी कुल में जो ज्यादातर जातियां हैं, ज्यादातर सदस्य कैसे हैं, हर्बेशियस हैं, शाकीय हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में जैसे कि लेपिडियम है वह फारसेटिया है, ये क्या है, लेपिडियम वह फारसेटिया अंडरश्रब है, मतलब उपशुप है। अब है मूल कैसे मिलती है, तो ब्रैसिकेसी कुल के सदस्य में मूसला जड़ पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है, जैसे कि मूली, मूली भी किस में आता है, ब्रैसिकेसी कुल में या क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में आता है। तो मूली को बॉटनिकल नेम क्या है, रेफेनस सेटाइवस।
मूली एवं शलगम। शलगम को क्या कहेंगे? ब्रैसिका रेपा। जैसे कुछ पादपों में मूसलाजड़ खाद्य पदार्थों का संचय कर मासल हो जाती है। अब बात करते हैं तना स्टेम। तो ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी में तना जो है शाकीय होता है, हर्बेशियस होता है, एंड द स्टेम इज सिलेंड्रिकल, मतलब तना बेलनाकार होता है, वह शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, और तना इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व होता है, परंतु कोरोनोपस CORONOPUS कोरोनोपस में तना ट्रेलिंग होता है, तल सर्पी होता है। इसी प्रकार अब बात करते हैं लीफ की, पर्ण की। तो पत्तियां सरल होती हैं, सिंपल होती हैं, अनुपर्णी होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं और स्तंभिक होती हैं, कोलाइन होती हैं, वे रेडिकल होती हैं, मूलज होती हैं। जैसे कि एग्जांपल बेटा रेफिनस सटाइवस, मतलब मूली में एवं ब्रैसिका रेपा में पत्तियां अल्प विकसित तने से गुच्छे के रूप में निकलती हैं। पत्तियां वीनाकार लाइरेट या पुनर्विभाजित डीकंपाउंड पिच्छाकार पिनेटली रूप में कटी फटी एवं रोमिल होती हैं। गंधक योगिक माइरोसिन की उपस्थिति के कारण पादपों में तीखी गंध आती है, मतलब पत्तियों में एक गंधक योगिक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? माइरोसिन। माइरोसिन की उपस्थिति के कारण पत्तियों में या ब्रैसिकेसी कुल के पादपों में तीखी गंध आती है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली ब्रैसिकेसी और क्रूसीफेरी, पुष्पीय लक्षणों का परास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रैसिकेसी में या क्रूसीफेरी में इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है? तो पुष्पक्रम कैसा पुष्पक्रम है? रेसिमोस रेसिम असीमाक्षी असीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। एग्जाम्पल है, उदाहरण है ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस में, या समशिक कोरिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है जैसे कि आइबेरिस अमारा में। आइबेरिस अमारा में जो कि ब्रैसिकेसी कुल का पादप है उसमें पुष्पक्रम कोरिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, परंतु कोरोनोपस डाइडीमस कोरोनोपस डिडीमस या डाइडीमस में पुष्पक्रम पर्ण सम्मुख असीमाक्ष लीफ अपोज्ड रेसिन होता है। अब बात करते हैं पुष्प की, तो फ्लावर कैसा होता है? तो ब्रैसिकेसी कुल या ब्रैसिकेसी कुल या क्रूसीफेरी कुल में द फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, द फ्लावर्स आर पेडिसिलेट एंड ई ब्रैक्टेट। जो पुष्प होते हैं सेवरंथ होते हैं, असहपत्री होते हैं। वे फ्लावर्स कैसे होते हैं? त्रिज्या सममित होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन अपवाद क्या है? आइबेरिस अमारा में पुष्प जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एक व्यास सममित होते हैं। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन आइबेरिस अमारा एंड द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। जो पुष्प हैं द्विलिंगी होते हैं, चतुष्तयी होते हैं, टेट्रामेरस होते हैं, वह हाइपोगाइनस मतलब जायंधर होते हैं। परंतु एक्सेप्शन क्या है? सुबुलेरिया एक्वेटिका। सुबुलेरिया एक्वेटिका में जो पुष्प हैं वो स्लाइटली पेरिगाइनस होते हैं, अल्प परिजायंगी होते हैं। अब बात करते हैं पुष्प में क्या क्या होता है। फ्लावर में कैलिक्स होता है, बाह्य दलपुंज कोरोला होता है जिसको कि दलपुंज कहते हैं, एंडोशियम होता है, पुमंग होता है, मेगाइनोशियम जायंग होता है। तो कैलिक्स बाह्य दलपुंज, कैलिक्स बाह्य दल चार होते हैं और 2+2 के दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं।
बाह्य चक्र में दो अग्र पश्च एंटीरो पोस्टीरियर तथा अंतः चक्र में दो पार्श्व बाह्य दल होते हैं। कोर्चादी विन्यास पाया जाता है, इम्ब्रिकेट एस्ट्रिवेशन पाया जाता है। मतलब बाह्य दल कितने हैं, सेटल्स कितनी पाई जाती हैं क्रूसीफेरी में, चार मिलती हैं और दो प्लस दो के दो चक्रों में व्यवस्थित होती हैं। इसी प्रकार कोरोला मतलब दलपुंज, पेटल्स दल कितने मिलते हैं, चार पेटल्स पाई जाती हैं जो कि पॉलीपेटलस होती हैं, पृथक दली होती हैं और क्रूसीफॉर्म होती हैं। प्रत्येक दल एक व्रंत या नख तथा ऊपर चौड़े दल फलक लिंब में विभेदित होता है। कोरोनोपस में दलपुंज मींस करूला अनुपस्थित होता है। मतलब अब बात क्या है, कोरोनोपस में दलपुंज अनुपस्थित होता है जबकि लैपिडियम में शल्क स्केल्स में समानित हो जाते हैं। जबकि लैपिडियम में शल्क में समानित मतलब रिड्यूस्ड हो जाते हैं। आइबेरिस में दो अग्र दल एंटीरियर पेटल्स पश्च दलों पोस्टीरियर पेटल्स की तुलना में बड़े होते हैं। एक स्लाइड शेयर करती हूँ, एक मिनट आपके साथ, एक स्लाइड शेयर करते हैं पहले। ये देखना बेटा, ये वाला स्लाइड सबको दिख रही है, तो ये कौन सा डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का है, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो जैसे कि बात की, ये जो बाहर का ग्रीन दिखाया है ये है सेपल्स, भाई ये दलपुंज कैलिक्स है। तो कितनी है, 1 2 3 4, तो कैलिक्स कितनी है, सेपल्स कितनी है, चार होती है और दो प्लस दो के चक्र में व्यवस्थित है। दो तो बाहर है, दो टोटली अंदर है। जो ग्रीन से दिखाई हुई है ये है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस का फ्लोरल डायग्राम। इसी प्रकार दलपुंज है, अंदर पिंक कलर के दिखाए बेटा, पेटल्स भी कितनी है, चार है। दलपुंज कितने हैं, चार है, और ये दलपुंज देख रहे हो पृथक दली है, मतलब आपस में यूनाइटेड नहीं है, मतलब पॉलीपेटेलस है। जो पिंक कलर में दिख रही है कितनी है, पॉलीपेटेलस है। इसी प्रकार अब मैं एंड्रोशियम की बात कर रही हूँ, इसको क्या कहेंगे अपन, पुमंग। तो पुंकेसर छह है, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, पुंकेसर कितने हैं, छह हैं, और पृथक पुंकेसरी है, मतलब पॉलीएंड्रस कंडीशन है। ये जो पुंकेसर हैं जो कि ब्लू में दिखाए हैं, ये किसी से पेटल से यूनाइटेड नहीं है, कंडीशन को क्या बोलेंगे, पुंकेसर पुंकेसरी, पृथक पुंकेसरी पॉलीएंड्रस चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है, टेट्राडायनामिस कंडीशन पाई जाती है। कैसी कंडीशन है, टेट्राडायनामिस कंडीशन है, दो चक्रों में व्यवस्थित है। ये भी देख रहे हो, ये भी दो चक्रों में, जो पुंकेसर है ये भी दो चक्रों में व्यवस्थित है, दो प्लस चार, दो प्लस चार के में है। देखो बेटा, दो तो है बाहर और चार है अंदर की तरफ, तो ये कंडीशन क्या हो गई, टेट्राडायनामिस, दो चक्रों में व्यवस्थित है, दो प्लस चार, भारी दो पुंकेसर छोटे पार्श्व तथा भीतरी चार पुंकेसर बड़े अग्र पश्च एंटीरो पोस्टीरियर स्थित होते हैं। तो जैसे कि देख रहे हो, बाहरी दो पुंकेसर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, भीतरी पुंकेसर जो कि चार हैं वो बड़े होते हैं। पराग कोश दीकोष्ठी होता है, डाइथीकस होता है। तो पराग कोश देख रहे हो कैसा है, डाइथीकस है, आधार लग्न है, बेसिफिक्स है, अंतर्मुखी है, इंट्रोर्स है एवं लंबवत स्तूप, लंबवत स्फुटन, लॉन्जिट्यूडनल डेहिसेंस पाया जाता है। पुंकेसरों के आधार पर चार मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनके आधार पर चार नेक्टरीफेरस ग्लैंड्स, नेक्टरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो अपन ये देख रहे हैं ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस का डायग्राम। अभी आपको दिखा रहा है कि ईबीआर, ईबीआर से मतलब है ईब्रैक्टेट, ई ब्रैकेट से मतलब है असहपत्री होता है, और ये लिखा हुआ है ई बी आर एल,
ई ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट मतलब ये भी अनुपस्थित होती हैं। प्लस का साइन बता रहा है आपको, तो मैंने बताया था कि फ्लावर कैसा होता है, तिजिया सममित होता है, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक होता है। और ये क्या है, बाइसेक्सुअल, ये वाला फ्लोरल फॉर्मूला में देखना। और कैलेक्स जो है 2+2, ये देख रहे हो चार होती है, 2+2 चक्रों के रूप में व्यवस्थित होती है। और पेटल्स कितनी है, चार है। एंड्रोशियम 2+4, 2+4 टेट्राडाइनमस कंडीशन है। गाइनोशियम कैसा है, बाई कार्पलरी है, तो 2 लिखा हुआ है। और हाइपोगाइनस कंडीशन है। तो स्टॉप शेयर करती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब कोरोनोपस में 2 पार्श्वीय वह लेपिडियम में वह कार्डामीन में, लेपिडियम वह कार्डामीन में 4 भीतरी तथा मेगा कार्पिया में 16 पुंकेसर होते हैं। मतलब मेगा कार्पिया में तो 16 पुंकेसर पाए जाते हैं, वह कोरोनोपस में 2 पुंकेसर पाए जाते हैं, वह लेपिडियम वह कार्डामीन में 4 भीतरी पुंकेसर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं गाइनोशियम की, जायांग की। तो गाइनोशियम कैसा है, डी अंडपी है, बाई कार्पलरी है, युक्ता अंडपी है, सिन कार्पस है। प्रारंभ में गाइनोशियम एक कोष्ठकी होता है, यूनिलोक्युलर होता है, परंतु आभासी पट या रेप्लम, फॉल्स सेप्टम या रेप्लम के निर्माण से यह द्विकोष्ठीय बाइलोक्युलर हो जाता है। इसी प्रकार इसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन, भित्तीय प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अंडाशय ओवरी सुपीरियर होती है, वह वर्तिका स्टाइल सरल होती है या अनुपस्थित होती है। स्टिग्मा जिसे कि वर्तिकाग्र कहते हो, द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है या डिस्कॉइड होती है, विम्बाब होती है। अब बात करते हैं फ्रूट एंड सीड इन द फैमिली ब्रैसिकेसी और क्रूसीफेरी। तो अधिकांश सदस्यों में जो कि क्रूसीफेरी कुल के सदस्य हैं, उनमें सिलिकुआ जैसे कि ब्रैसिका कैंपेस्ट्रिस में फल पाया जाता है। क्या कहेंगे फल को, सिलिकुआ। तो दूसरे में आइबेरिस एमारा में फल का क्या नाम है, सिलिक्यूला। बीज अभ्रूणपोषी होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, वे बीज पत्र वसीय होते हैं। तो अपन देखते हैं, अभी एक स्लाइड और शेयर करती हूँ कि ब्रैसिका का अपन ने फ्लोरल फॉर्मूला देख रहे थे अपन, इसका एक स्लाइड और शेयर कर लेती हूँ। शेयर है ना, ये देखो बेटा, हाँ ये फ्लोरल फॉर्मूला दिखा रहे हैं कि ये तो हुआ, ये साइन किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर्स कैसे हैं, क्रूसीफेरी कुल में बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। और कैलिक्स, अच्छा 5 बता दिए, ये वाला छोड़ो आप, ये वाला स्टॉप शेयर कर रही हूँ, वो वाला ही देखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। किसका आर्थिक महत्व, ब्रैसिकेसी कुल या क्रूसीफेरी कुल का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो आइबेरिस अमारा जिसको कि कैंडी टफ्ट कहते हैं, कुछ शोभाकारी पादप हैं जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो कि ब्रैसिकेसी कुल में रखे गए हैं। तो इनके नाम याद रखोगे, आइबेरिस अमारा, कैंडी टफ्ट, या दूसरा नाम है मैथियोला, मैथियोला इनकेना स्टॉक्स, ठीक है। तीसरा है एलिसम, एलिसम सेक्सेटाइल, एलिसम सेक्सेटाइल जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसको कि बास्केट ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। तो बास्केट ऑफ गोल्ड किसको कहते हैं, एलिसम सेक्सेटाइल को कहते हैं। इसी प्रकार ल्यूनेरिया एनुआ, ल्यूनेरिया एनुआ जिसको कि ऑनेस्ट्री भी कहते हैं, ये सब शोभाकारी पादप है। तो ब्रैसिकेसी कुल में शोभाकारी प्लांट्स रखे गए हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखे गए हैं, जैसे कि आइबेरिस अमारा, मैथियोला, एलिसम, ठीक है। अब
कुछ वेजिटेबल्स एंड एडिबल्स भी ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल में रखे गए हैं, सब्जियां व भोज्य पदार्थ। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि खाने योग्य हैं? आप जानते हो रेफेनस सेटाइवस मूली या मोगरी, रेफेनस सेटाइवस मूली, ब्रासिका रेपा जिसका नाम क्या है शलजम, शलजम की सब्जी बनाते हैं, तो ब्रासिका रेपा, ब्रासिका कैम्पेस्टिस वेराइटी सरसों, तो सरसों की भी सब्जी बनती है, तो ब्रासिका कैम्पेस्टिस वेराइटी सरसों। दूसरा है ब्रैसिका ओलिरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, ब्रैसिका ओलिरेसिया वेराइटी बोट्राइसिस फूल गोभी, जो क्या आजकल आ रहा है फूल गोभी, पत्ता गोभी भी आ रहा है, पत्ता गोभी को क्या बोलेंगे ब्रैसिका ओलिरेसिया वेराइटी कैपिटेटा, ये है पत्ता गोभी, ये भी एडिबल है, खाने योग्य है, सब्जी बनाई जाती है। और नेक्स्ट है ब्रैसिका ओलिरेसिया वेराइटिया गेमीफेरा, जो कि बटन गोभी के नाम से प्रसिद्ध है। अब कुछ ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं जो कि ब्रैसिकेसी कुल में रखे गए हैं, तिल हनी पौधे, मतलब कौन कौन से ऐसे तेल निकलता है, तो ब्रैसिका कैम्पेस्टिस वेराइटी सरसों, सरसों का पादप, ब्रैसिका अल्बा, ब्रैसिका अल्बा सफेद राई, ब्रैसिका अल्बा का नाम है सफेद राई, ब्रासिका नाइग्रा वो काली राई, तो काली राई क्या है ब्रासिका नाइग्रा, और ब्रासिका अल्वा क्या है सफेद राई, इनमें से भी ऑयल निकलता है, तेल निकलता है। और ब्रासिका जेंसिया क्या है देशी राई, तो तीन तरह की राई हो गई, काली राई, सफेद राई, देशी राई, जैसे कि ब्रासिका जेंसिया कहते हैं। इसी प्रकार ब्रासिका नेपस रेप सीड या तोरिया, और एक है एरुका सटाइवा, एरुका सटाइवा तारामीरा। अब कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, कौन कौन से ऐसे मतलब ये कॉन्डिमेंट्स के रूप में भी यूज किया जाते हैं, मसाले के रूप में भी यूज किए जाते हैं, तो ब्रासिका अल्बा, ब्रासिका अल्बा, ब्रासिका नाइग्रा व ब्रासिका जेंसिया राई के बीज मसालों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। अब ऐसे कौन से पादप हैं ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल में जो कि औषधीय महत्व के हैं, जिनसे कि मेडिसिन प्राप्त की जाती है, वो हैं बेटा एक है सिसिम्ब्रियम, सिसिम्ब्रियम इरियो, खूब कला की पत्तियां वैतना, खूब कला की पत्तियां वैतना, स्कर्वी, स्कर्वी के रोग में लाभकारी है। इसी प्रकार नस्टरशियम, इसी प्रकार नस्टरशियम के बीज अस्थमा के रोग में लाभकारी हैं, तथा लेपिडियम, एल ई पी आई डी आई यू एम, लेपिडियम लीवर रोग में लाभकारी है। तो लेपिडियम जो कि ब्रैसिकेसी कुल में आता है वो लीवर डिजीज में लाभकारी है, और नस्टरशियम के बीज अस्थमा के रोग में लाभकारी है। इसी प्रकार खर पतवार वीट्स की बात करते हैं तो लेपिडियम कोरोनोपस व कैप्सिला व खूब कला को बोलेंगे सिसम्ब्रियम, क्या बोलेंगे सिसम्ब्रियम इत्यादि खेतों व बगीचों के खर पतवार हैं। ठीक है, अब ब्रैसिकेसी कुल में जो आपके प्रैक्टिकल में ज्यादा अपन पादप पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, लोकल नाम क्या है इसका सरसों या पीली सरसों, जो कि कुल ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी में रखा गया है, और मतलब ब्रैसिकेसी ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का स्थानीय नाम है सरसों या पीली सरसों। इसकी प्रकृति एवं आवास क्या है कि यह एक वर्षीय क्रस्ट शाक है, हर्ब है, और इसकी जड़ शाखित मूसला जड़ है, और तना कैसा है सरसों का, तना शाकीय होता है, हर्बेशियस होता है, ऊधर्व होता है, बेलनाकार होता है, वह हल्का रोमिल
होता है, वह शाखित होता है, वह हरा होता है। इसी प्रकार सरसों में ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस में पर्ण कैसी मिलती है, लीफ कोलाइन एंड रेमल, और एक्स स्टिप्यूल्स मतलब लीव्स पे पत्तियों पे अनुपर्ण नहीं पाए जाते। लीव्स आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर, लीव्स पत्तियां एकांतरित मैनर में व्यवस्थित रहती हैं, और सरल व्रंथ बहुत छोटा होता है या अनुपस्थित होता है, ठीक है, और यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। पत्तियों में एक श्रीय जाली कवत शिरा विन्यास पाया जाता है, पत्तियां चिकनी होती हैं। और ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस सरसों में पुष्पक्रम कौन सा मिलता है, पुष्पक्रम का नाम है रेसिमोस रेसिम, ए सिमाक्षी ए सिमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। और जब अपन ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस सरसों के फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो सरसों का जो पुष्प है सेवरंथ होता है, ए सहपत्री होता है, ई ब्रैक्टेट होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, वह बाईसेक्सुअल द्विलिंगी फ्लावर होता है। और फ्लावर कैसा होता है, रेगुलर होता है, नियमित होता है, और पुष्प त्रिज्या सममित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जायंगधर पुष्प होता है, हाइपोगाइनस व टेट्रामेरस। इसी प्रकार ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस सरसों में जो बाह्य दलपुंज है कैलिक्स सेपल्स चार होती हैं, जो कि पॉलीसेपेलस होती हैं, पृथक बाह्य दली होती हैं, और ये सेपल्स बाह्य दल सरसों में 2+2 के दो चक्रों में पाई जाती हैं, वे आंतरिक चक्र के बाह्य दलपत्र लंबे होते हैं, वे इसमें कोर छादी विन्यास पाया जाता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इसी प्रकार सरसों में ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस सरसों में जो दलपुंज है कोरोला है, तो दल कितने हैं, पेटल्स कितने हैं, चार हैं, जो कि पृथक दली हैं, पॉलीपेटलस हैं। दलपुंज क्रॉस रूपी होते हैं मतलब क्रूसीफॉर्म होते हैं, प्रत्येक दल क्लो एवं लिंब में नख एवं फलक में विभेदित होता है तथा समकोण 90 डिग्री पर मुड़े हुए होते हैं। और इसमें वेलवेट एस्टिवेशन मतलब कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार सरसों ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस में पुमंग एंडोशियम कैसा होता है, तो सरसों में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, जो कि पॉलीएंड्रस होते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं, वह चतुर दीर्घी होते हैं, टेट्राडायनामिस होता है।